केमिति रखिबे भल नंबर आसंता कालीठारु आरंभ हेबाकु जाउछि मैट्रिक परीक्षा परीक्षा देबे 551611 जन छात्र छात्री मार्च 4 रे शेष हेबो एग्जाम मोट 2991 टी परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा दिया जिवो प्रथम दिन रे मातृभाषा बा ओडिया परीक्षा देबे छात्र छात्री तबे 23 तारीख रे इंग्राजी परीक्षा हेबो ओडिया स्कूल पिला इंग्राजी भाषा रे परीक्षा देउथिबारु एहाकु अति गुरुत्व सहित नेथांती छात्र छात्री अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षयित्री तबे केमिति परीक्षा रे भलो करिवे छात्र छात्री से नै सरल सूत्र बताइबे अभिज्ञ शिक्षक आम सहित अभिज्ञ शिक्षक जोडिबे से माने टिप्स रखिबे केमिति छात्र छात्री माने भलो मार्क रखि परिबे तबे गोटे कथा आमे टी स्पष्ट भाबरे कहि रखै हबै चाहिबो किछि तथ्य पाठ को भल भाव रिविजन करने निहाती आवश्यक जदि आप परीक्षा रे भल नंबर रखापी चाहते रिविजन करूँ सिलेबस अनुसार रिविजन करूँ सिलेबस जहाँ जहाँ रही जो जो सब्जेक्ट रु जिते जिते आसब से हिसाब से आप रिविजन करूँ बिना चापरे परीक्षा हॉल को जातु कौन सी प्रकार टेनसन नि परीक्षा भल हे एक चिंता कर परीक्षा हॉल को प्रवेश करूँ प्रश्नपत्र पाइबापर प्रश्नगुड़ी खूब भल भाव पढ़ु कौन रोचे प्रश्न प्रश्न हिसाब रे ही प्रश्न जहाँ डिमांड करुच्छे से हिसाब रे आपण उत्तर लिखतु ऑब्जेक्टिव बा संक्षिप्त प्रश्नर प्रथम उत्तर लिखतु जोड़ाक संक्षिप्त प्रश्न रोच तार प्रथम उत्तर रखु प्रश्नर क्रमिक नंबर न देखी जो प्रश्न आपन को सहज लगुच प्रथम तार आप उत्तर लिखापी चेस्टा करूँ सब्जेक्टिव प्रश्नर उत्तर से ही अनुसार दिंतु अर्थात जो प्रश्नर उत्तर आपको प्रथम आसूँ अटेम्प्ट करूँ और परवर्त समय धीरे धीरे से हिसाब से उत्तर रखु उत्तर लिखा पर पुणी थे भल भाव पढ़ु अर्थात आपंकर आंसर सीट सरी जाए आंसर लिखी सारे आउ थे रिवाइज कर दिंतु काले कौटी आप छाड़े रिवाइज कर दिंतु भाषा परीक्षा होती बनान निर्भुल भाव में लिखु अर्थात जहाँ आप लिखुं स्पेलींग लिखुं ठीक भाव में लिखा निहाती आवश्यक जेहेतु भाषार परीक्षा रोचे सुंदर अक्षर लिखा ध्यान दिंतु पिलामानंकर अक्षर अत्यंत गुरुत्व बहन करता है जदि खाता सुंदर देखा जाए सुंदर अक्षर पिला लिखिता है भल मार्क मिलता है नंबर उपर नंबर तासत हैंडराइटिंग ध्यान दिंतु कौन सी भाषा जनित विषय पर गुरुत्वपूर्ण व्याकरण एवं जदि आप इंग्लीश एमआईएल हिंदी ये सब सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट करुँच ग्रामर उपर निहाती भाव ध्यान दिंतु कारण ग्रामर बहुत मार्क आपको भल मिलता है जदि आप ठीक उत्तर लिखिथे तो विशेषकर भल मार्क रखापी व्याकरण गुड़ी को सठिक भाव में लिखतु व्याकरण जहाँ क्वेश्चन से क्वेश्चन हिसाब से आप उत्तर लिखले आपको भल मार्क मिल पार अनावश्यक न लिखि कम लिखतु सठिक लिखतु पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखतु और सठिक लिखापी चेस्टा करूँ भाषा दक्षतापी नोबेल खबरकगज आर्टिकल ए सबकि पढ़ु कितु बर्तमान तो परीक्षार समय आसी सारी ए सबकि पूर्वर करवा निहाती दरकार था जी भाषा उपर आप आयत आने पेपर पढ़ु नोबेल पढ़ु आर्टिकल पढ़ु ए सब पढ़ा द्वारा आपण भाषा उपर ज्ञान अधिक आसपार अधिक आलोचना करवा तमाम प्रसंग में आम सहित जोड़ी होती अतिथि हरिश्चंद्र दास अधिकारी इंग्राजी शिक्षक अच्छा कटक रु आम सहित जोड़ी होती लोपामुद्रा पाणिग्राही जोड़ी होती इंग्राजी शिक्षयित्री अच्छा बालिया बालेश्वर उभय को स्वागत करुच्ची कनक न्यूज को प्रथम दास अधिकारी श्रीयुक्त दास अधिकारी आप जानापी चाहबू जितेबाड़ ओडिया मीडियम छात्र छात्री मैंने इंग्लीश परीक्षा दे था से कौटिना क्योंटी से चाप भितर रही था कारण ओडिया मीडियम छात्र छात्री इंग्लीश को टे डरी था तेज एभली स्थल जितेबाला छात्र छात्री इंग्राजी परीक्षा देवाई हल को जी पूर्व सेमती प्रस्तुत कर रे नमस्कार आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एचएससी एग्जाम ऑन द ईव ऑफ द एग्जाम आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम ऑल दे शुड नॉट बी डिसहार्टेड दे शुड नॉट बी डिप्रेस्ड व्हाइल गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ द एचएससी एग्जाम आर गोइंग टू अपियर देयर एग्जाम under the surveillance of CCTV camera so they should be relaxed they should not maintain any unfair means they should maintain transparency inside the exam hall they should avoid depression and they should relax completely while appearing the exam hall I would like to advise three golden rules first of all read the questions mindfully
then understand it properly and write correctly using the proper tense and spelling. As they are going to appear first time the English, as they are the ODIA students, so they are depressed most of the time. So they should maintain their transparency in the exam hall, and they should avoid standing. So first of all, students should pay attention to how to write without any spelling mistake. Just I am going to give a tips in spelling exam. You see, in the subjective the question comes in spelling exam. Suppose a spelling of exam come in the exam, curriculum. So curriculum, spelling of curriculum, you see there are four options. Which one is correct? Because all that tells all about the curriculum. So that the first one is wrong, second one is correct. As the correct spelling of the curriculum is second option. So the students should appear two papers, subjective paper and objective paper. In subjective paper, they should answer the questions correctly and using the proper spelling, and precise answer should be written in the question answer. Then when they go to write the essays, they should follow the content area, I mean the outlines given to appear the exam. They should not write haphazardly. They should always follow the proper outlines. While writing the reports, they should write the six steps. They are, first of all, address, then the date, then to the editor, then the contents, title, then contents, and last reporter. When they going to write the application, they make mistake in writing their own name and address. Suppose a application is used to write to the headmaster on certain topic. Okay. They make mistake in writing the name of their own schools. They okay. should not do this. They should write the name of the schools given in the question paper. Okay, okay. Nyatbhabe Srukta Harishchandra Das Adhikari Chanti Alochana Apana Koruchanti Bartman Samare Sabuchu Gurutwapurna Hochi Jetebale Ingraji Parikha Odia Medium Ra Chhatra Chhatri Mane Debe Keu Sabu Bishay Upare Bishesh Bhabare Dhyan Debar Avashyakata Rauchi Essay Kemti Lekhibe Application Kemti Lekhibe Subjective Objective E Sabu Kemiti Lekhibar Avashyakata Rauchi Taha Dhyan Debar Nihati Avashyak Amasito Jane Caller Jodi Hoichanti Jeki Rauchanti Dalismita Apanku Swagat Kuruchi Connect News Ku Kon Rauchi Prashna Pacharanto ऑनलाइन टी कटि जाइछि हम सहित लोपामुद्रा मैडम मध्ये जोडी हो रहिछंती. लोपामुद्रा मैडम आपन तरु जानबा पई चाहिबो जेतबडे साधारणत इंग्रजी परीक्षा कथा आसीथाय सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एहा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कारण पिला माने केमिति आंसर देबे एवं सब्जेक्टिव प्रथमे करिवे ना ऑब्जेक्टिव प्रथमे अटेम्प्ट करिवे. आज्ञा नमस्कार. मु एटा कहिया को चाहू छी जे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ आर नेसेसरी. आम जे केवल ऑब्जेक्टिव उपरे इम्पोर्टेंस दबा सब्जेक्टिव को छाड़ी दबा सेमती ना प्रथम तो ऑब्जेक्टिव करिया को ही पड़ू आम मानक तेणु ऑब्जेक्टिव को सठिक मात्रा रे भल भाव करिया को हेले आमको लाइन बाय लाइन सब्जेक्ट वाइज पढ़िया को पड़ो कहीं आम जे टेस्ट पेपर उपरे पूरा भरोसा करके रही जाऊ सेटा आम बेटर नुहे कहीं प्रत्येक लाइन बाय लाइन रु शॉर्ट क्वेश्चन आसूची आउ बाकी ग्रामर पार्ट रहा ग्रामर पार्ट को आमको तार जिस्ट थर होबार अच्छे जमीक टेन्स टेन्स आगे टेन्स सहित तो आमको टाइम भी थर होबार अच्छे खाली टेन्स थर हो गले आम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक भाव में करानी. बाकी रहा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट कहले केवल गोटे को तो बुझेबन प्रोज पोएट्री बाकी सब्जेक्टिव पार्ट भितर रोचे रिपोर्ट राइटिंग समरी पैसेज राइटिंग ट्रांसलेसन
एसे एति के सब रहुचे आ भितरे तो ता मतलब माने सबु किछ को हम को ध्यान रे रखी के पाठ पढिया को पड़िबो लॉन्ग क्वेश्चन से ना हम सब्जेक्ट भीतर प्रोज पोएट्री रु लॉन्ग क्वेश्चन हमें पाई परुचु रिपोर्ट राइटिंग विभिन्न प्रकार रिपोर्ट पढुची सोशल रिपोर्ट स्कूल रिपोर्ट टीचर्स डे सेलिब्रेशन स्कूल रे जति के सेलिब्रेशन होउ छी से रिपोर्ट भी पढुची ओके तो सब प्रकार गुरुत्वपूर्ण रहुची हमर तार 5 मार्क मात्र मिलुची मिलन कुमार आचार्य आपको स्वागत कर मिलन कौन रोज प्रश्न पचारत आम सहित अभिज्ञ शिक्षक अच्छा मोर क्वेश्चन जदि भी किसी जान पार्टी हम तो पेपर प्रेजेंटेशन कर ओके ओके हरिश्चंद्र सर आरो उत्तर आपण रखंतु आमे यार उत्तर रखिबा पूर्वर आगे चिंता करिबा जे क्वेश्चन ती कोन पचरा जाय ताक भलो भाबरे बुझिबा दरकार तापरे आमे तो बही रो पढिचे तेनो जो प्रकार क्वेश्चन हेतिबो आमे ताको क्वेश्चन आंसर हेतिले 50 वर्ड्स भितर हमको दवाक पडिबो लेखिबा समय रे आमे स्पेलिंग ठीक करिबा दरकार एवं राइट आंसर लिखिबा दरकार कीपिंग इन व्यू टू द प्रॉपर टेंस एंड टाइम एंड प्रॉपर फैक्ट्स शुड बी रिटन प्रॉपरली सो दैट द आंसर विल बी वेरी गुड एंड मार्क फेचिंग ओके ओके तबे लोपामुद्रा मैडम आपण एटी उत्तर रखंतु जेतबेले इंग्राजी कथा आसी थाए विशेष भाबरे ग्रामर हेउछे एक गुरुत्वपूर्ण विषय कारण ग्रामर जदि आपण ठीक लेखुचंती ताले आपणको 5 रु 5 मार्क बा 10 रु 10 मार्क जहां मार्क रहितबो ताहा मिलबो तबे ग्रामर उपरे छात्र छात्री माने केते ध्यान देबार आवश्यकता रहउछे एवं ताकु आपण केमति सरल भाषा रे बुझेबा पई चाहिबे आज्ञा मु कहुछि ग्रामर को पढिया गेले आमे आगे टेंस आउ टाइम दीटा देखो जरूरी टेंस सहित टाइम को आमे जरूरी को टाइम रो माने पिला कोन करूछन्ती थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखरे एस गोटे एग्जांपल दे के बुझौछि आमे जेमिते जानिछु आई पाखरे बसिबो इट आउ ही बा सी पाखरे बसिबो इट्स तो पिला जल्दी जल्दी रे भूल करके आसछन्ती इट्स बसिबो ही सी पाखरे करि दे आसछन्ती इट बा आई पाखरे इट्स एभलिया सामान्य सामान्य मिस्टेक रे आमर खाली जे ग्रामाटिकली मिस्टेक रहुची लॉन्ग क्वेश्चन रे ता नुहे आमर लॉन्ग क्वेश्चन रे स्पेलिंग मिस्टेक मध्ये बहुत रहुची गोटे मु स्पेलिंग कहिबी सोल आ गोटे कहिबी सोल बोथ बोथ आर इंग्लिश वर्ड्स बट दे आर मीनिंग्स आर डिफरेंट माने आमे ए सोल रो माने अलग ए सोल रो माने अलग आमे लेखिया को चाहु तो भाई यू आर माय सोल बट आमे लेखि के पळि आसी यू आर माय सोल दिटा देखो मीनिंग अलग एटा होची आत्मा एटा होची जूता रो सोल जोटा आमे कहू छु तो सेमिति स्पेलिंग मिस्टेक बहुत स्पेलिंग भी मोस्ट नेसेसरी प्लस ग्रामर ग्रामर छोटो छोटो ग्रामर भूल बहुत करू छथि आ इज एम आर जदि लेखु छ इज एम आर तापरे बाकी रहला वाज वेयर आपरे सब बेले भार्ब रो आईएनजी फॉर्म आमे यूज करबा मोस्ट नेसेसरी आउ जत्ते बेले भार्ब रो आईएनजी फॉर्म यूज करी ना हो माने सेठी मार्क तमर कटि जाउ छी तमे सब सेंटेंस को आगे जानिबा दरकार एटा को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को थिरे अछि आगे सेटा जानिबा नियाति नेसेसरी थैंक यू नियाति भाबरे लोपामुद्रा मैडम भलो भाबरे बुझाइले कि कहा जदि आम कि लिखुचे ग्रामर तेज आमको सबकि थर हबार आवश्यकता रोचे एपंक प्रथम ही पाठ पढ़ाक पड़ो और वर्ष शेष में पाठ पढ़ले किसी हेबना जदि आप प्रथम पाठ पढ़ी आसी निहाती भाव में परीक्षा आप भल करेंगे